सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. आपको लिख लेना पड़ेगा यार, कैसे मिलोनी लिख लेती है क्लास में से, तो आपको वैसे लिख लेना पड़ेगा. सर मैं वीडियो से लिखती हूँ, अपलोड कर दीजिए. वीडियो वीडियो कोई देखता नहीं है, मैं देख चुका हूँ. चलिए सो बस हो गया ना. आपको मैंने क्या बोला, जो मैंने बोला वो फाइनल होता है. आप देखते हो मुझे कैसे दिखेगा, आप किसी और का देखते होगे, मेरा तो नहीं देखते. सर मैंने कमेंट भी किया था. चलिए सो नाउ लेट्स गो अहेड. तो हमारा खत्म दैट टॉपिक. तो वी हैव फिनिश्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली, क्योंकि मैं जनरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग पढ़ाता हूँ, एंड इसीलिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने मेल सिस्टम डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने मेल फिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस कर लिया, एंड हम लोगों ने स्पर्म भी डिस्कस कर लिया. उसी तरह से इफ हम लोग फीमेल में देखेंगे तो हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया, हमने फीमेल फिजियोलॉजी जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं वो डिस्कस कर लिया, हमने ओवम डिस्कस कर लिया, एंड हम लोगों ने ऊजेनेसिस भी डिस्कस कर लिया. तो इसलिए कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस क्या है, एक कि उसका कंप्लीट होने का कोई गारंटी नहीं है, दूसरा ये जो ऊजेनेसिस है ये बार बार स्टॉप होता है, ओके, एंड उसे बार बार रिस्टार्ट करना होता है, ठीक है. एंड कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो भेजा था, आपने देखा कि नहीं? तो देख रहे हो, दैट इज ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट वीडियो. जो एनटीए है, जो नेशनल टैलेंट एजेंसी है, जो आपका नीट एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वो उसका ऑफिशियल वीडियो है. इट यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि अभी हम लोग, मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उनका वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जो वीडियोस आपको मिलेगा वो उन्हीं का वीडियोस मिलेगा, और मेरा वीडियोस अपलोड नहीं होगा आज से. तुम्हारे एक्चुअली F1 में वीडियोस हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसलिए तुम्हारा वीडियोस उनके मैं अपलोड कर दूंगा, एंड तुम लोग को मैं शेयर कर दूंगा वो बढ़िया वीडियोस. सो उसमें आपने देखा वो क्या पढ़ा रहे थे अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताओ नीतू आपको कैसा लगा उनका डिलीवरी? सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. क्यों? He is a IIT professor. जिन्होंने आपका बताया वो IIT professor हैं, IIT गुवाहाटी में. उसमें तो लिखा तो था, आप देखे नहीं होंगे, तो वो IIT professor हैं. एंड पूरा वीडियोस आप देखना चाहिए, आप देखिए कि वो कितना गलत पढ़ा रहे हैं, एंड फिर भी आप जजेस का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो इसीलिए जब आप जजेस का रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली कुछ तो नहीं मिलेगा ना. तो वो सब आप वीडियोस देखेंगे ना तो पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के लिए. बट वो आप लोग उसका कोई आदर सत्कार नहीं करते. एंड प्रत्यक्ष तो अभी मेरे गुड बुक से बाहर आउट हो गई, जैसे सानिया हो गई थी, तो इसीलिए अब जो मेरे गुड बुक से आउट वो आउट, तो उसका दोबारा इनका कोई डिस्कसिंग द एस्ट्रस साइकिल. तो उन्होंने क्या लिखा था देखे थे कि नहीं, एस्ट्रस साइकिल में वो किस में होता है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, तो समझ रहे हो. और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स का एग्जांपल उन्होंने क्या दिया था बताइए, काओ डॉग. तो क्या काओ एंड डॉग प्राइमेट्स में आते हैं? तो देख रहे हो कि हाउ बिग बिग पीपल्स दे आर एंड हाउ रॉन्ग रॉन्ग थिंग्स दे टीच. तो वही चीज है, बट यू डिजर्व दैट, और क्या, इसलिए आपको वही मिलेगा उससे. तो इसीलिए नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में काउ डॉग कैटल सब बता दिया. तो इसीलिए आप सोचिए, इसलिए जो एस्ट्रस साइकिल है, एस्ट्रस साइकिल किस में होता है एक्चुअली, तो उसमें लिखना चाहिए था नॉन प्राइमेट एनिमल्स, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स नहीं, माने दो नॉन एनिमल, नॉन प्राइमेट मैमल्स,
ओके सो नॉन प्राइमेट मैमल्स में ये रिप्रेजेंट होता है. ओके इसमें आप लिख सकते हैं लाइक कैटल डॉग कैट एटसेट्रा. ठीक है. सो द एस्ट्रस साइकिल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एस्ट्रस. ओके इट इज द सेट ऑफ रिकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आर इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स. ओके ये देख रहे हो थेरियन मैमल्स दिया है. थेरियन मैमल्स का मतलब क्या है? दैट ट्रू मैमल्स. फाइन. तो इट इज रिपोर्टेड इन नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स. ठीक है. सो लाइक दैट. तो एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स. जैसे हमारे केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी. एंड आर इंटरप्टेड बाय एनेस्ट्रस फेज. तो एनेस्ट्रस का मतलब क्या है? नो एस्ट्रस. अदरवाइज नोन एज रेस्ट फेज. आइदर तो रेस्ट फेज होगा और प्रेगनेंसी होगा. ओके और प्रेगनेंसी. ठीक है. तो सम एनिमल मे डिस्प्ले ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफन मिस्टेकन एज मेंस्ट्रुएशन. एक्चुअली वो क्या दिखा रहे थे? 0 to 28 days तक मेंस्ट्रुएशन होता है. दिखा रहे थे सो लाइक दैट. तो प्रत्याशा इतना खुश हो गई वो वीडियो देख के. ओ गॉड जैसे उसे स्वर्ग का आवाज हो गया. चलिए नो सर. तो इसे जब नो हो मत बोला करो जो सच है उसको बोला करो. तो उसके बाद जो ये जो स्ट्रेस साइकिल है या जो रेस्ट फेज है उसका जो एनेस्ट्रस उस स्टेज में क्या होता है? मेल एंड फीमेल आर नेवर. इसको हम लोग टू में एनेस्ट्रस लिख सकते हैं. एनेस्ट्रस. तो एनेस्ट्रस फेज में क्या होता है? द मेल्स एंड फीमेल्स रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. मतलब एस्ट्रस फेज में मेल एंड फीमेल साथ रहते हैं बट जो एनेस्ट्रस फेज होता है उसमें मेल एंड फीमेल अलग रहते हैं. ठीक है. सो इफ मेल्स आर फाउंड क्लोज टू द फीमेल्स दे आर एक्चुअली व्हाट? चिल्ड्रन. समझ रहे हो. तो अगर आप देखोगे कि एक फीमेल के आसपास मेल घूम रहा है तो वो बच्चे हैं उसके. ओके सो देयर इज नो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल मेल. ओके सो नो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल मेल. ओके सो नो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल मेल will be allowed close to the female. Okay? तो वो लड़ाई हो जाता है. So this is the concept of anestrus. So generally ये longer period होता है. Okay? So generally this period lasts longer. ठीक है. जनरली दिस पीरियड लास्ट लॉन्गर व्हेन कंपेयर्ड विद एस्ट्रस पीरियड. ओके जो कि छोटा छोटा पीरियड होता है. ओके नाउ तो एस्ट्रस पीरियड कब राइज करेगा? अब देखो उन्होंने कल अगर आप ध्यान से देखे होगे वो वीडियो वो बोले नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स. तो क्या नर्वस सिस्टम हार्मोन रिलीज करता है? नीतू देवी नहीं सर. वो किसको नर्वस सिस्टम का हार्मोन बोल रहे थे? FSH को LH को. न्यूरो हाइपोथैलेमस को हार्मोन को. अगर नर्वस सिस्टम कर रहा है तो हम थोड़ी उसको नर्वस सिस्टम बोलेंगे. तब भी उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम ही बोलेंगे. हमारे उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्मोन बोल रहे हैं. चलिए गिरिजा वाज ओवरवेल्म्ड बाय लुकिंग एट द वीडियो. चलिए हो गया.
तो इसीलिए अंडर रेगुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कि जनरली हमारे केस में भी होता है, ओके, ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशंस एक्सर्ट्स देयर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, ओके, तो इसीलिए एक पीरियड ऑफ हीट आता है. द फीमेल देन एग्जिबिट्स सेक्सुअल रिसेप्टिव बिहेवियर, ओके, जो कि एक पागलपन के हद तक होता है. A situation that may be signaled by physiological, physiologic changes, okay, जिसमें hormone, pheromones भी release कर सकती है. Estrus is commonly seen in mammalian species, including primates. So this phase is sometimes called estrum, या oestrum, या उसको हम लोग simply heat भी बोल सकते हैं. गर्मी, वो जो गाना गाती है ना नोरा फतेह अली, जो डांस गर्मी हाय गर्मी ओ गर्मी, दैट गर्मी इज आल्सो कॉल्ड हीट पीरियड. बट ह्यूमंस में वैसा कोई गर्मी नहीं होता, तो ये लोग कहाँ से ले आए वो वही जानते. अंडरस्टूड? तो यू विल नेवर फाइंड. तो इस पीरियड में, इन दिस पीरियड ऑफ हीट या एस्ट्रस, द फीमेल हैज वेरी वेरी हाई अर्ज फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इट इज कोरिलेटेड विथ द High levels of कौन सा हार्मोन, बोले किस हार्मोन के correlate होता है, high levels of LH and estrogen, ठीक है, LH and estrogen. So this ultimately results in क्या ovulation, ठीक है. सो इसीलिए ये जो बहुत सारा चक्कर है, ये एक्चुअली ओव्यूलेशन के लिए होता है. फाइन, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें इंटरकोर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है, जैसे रैबिट, तो दैट इज कॉल्ड, माने दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन. जब इंटरकोर्स होगा उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता है. ओके, सर, उन टाइप के एनिमल्स में तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता होगा. मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, बट ब्लीडिंग होता है. जैसे आप अगर आपके घर में डॉग्स हैं या कैट्स आप पालते हो, तो आप देखोगे कि उनका भी ब्लीडिंग होता है. तो लोग क्या बोलते हैं, मेंसेस हो गया. भाई मेंसेस का मतलब क्या है बताइए? पर मंथ ब्लीडिंग. यस, मंथली ब्लीडिंग. तो वो जो उनका होता है वो मंथली थोड़ी होता है, वो एक बार हुआ. या सपोज देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे मोनोएस्ट्रिक एनिमल्स या पॉलीएस्ट्रिक एनिमल्स, इस तरह से अलग अलग एनिमल्स होते हैं. ओके, तो एस्ट्रस जो है वो अलग अलग तरह का होता है. ओके, सो ये जो एस्ट्रस बिहेवियर है, ओके, सो ये अगर किसी का साल में एक बार होता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड मोनोएस्ट्रिक. अगर साल में दो बार होगा, सो दैट इज कॉल्ड डायएस्ट्रिक. अगर साल में चार बार होगा, दैट इज कॉल्ड टेट्राएस्ट्रिक. समझ रहे हो? इसलिए उसका अलग अलग तरीके का कंसेप्ट होता है. फाइन, तो अगर हम ह्यूमंस को उसके साथ पैरेलल करें, तो ह्यूमंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट पॉलीएस्ट्रिक. ओके, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड पॉलीएस्ट्रिक साइकिल, ठीक है. तो इसलिए कितना फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंगली हम उसको बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? सो इसीलिए अकॉर्डिंगली आप उसका नाम दे सकते हो. चलिए, तो ये हम लोग का डिस्कशन है.
So this is the concept of estrus. Now, तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स में जनरली कौन सा पीरियड चलता है? एनेस्ट्रस, मतलब जिसमें कोई हीट पीट नहीं होता एंड जिसमें कोई मेल आसपास नहीं होता. ओके, सो इसीलिए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं. फाइन, यू कैन ऐड सम एग्जांपल्स. ओके, तो उसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये है एग्जांपल्स. So we can have some examples. So some species such as cats, cows and domestic pigs are polyestrous. देख रहे हो? That they can go into heat several times every year. So seasonally polyestrous animals जो है होते हैं. Okay, तो seasonally polyestrous का मतलब क्या है? बताइए. ईयर में एक बार ऐसा होता है? नहीं, सीजनल. वो सीजन में आपका अलग एक पर्टिकुलर सीजन. हाँ, अलग अलग सीजन्स में वो लोग आ सकते हैं. चलिए, तो ये सब आपका इतना पढ़ाने का जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में आपका थोड़ा थोड़ा पढ़ा देने से होगा. तो इसीलिए ये आपका हो गया पॉलीएस्ट्रस, ये आपका हो जाएगा डाइएस्ट्रस. तो जो डॉग्स होते हैं वो डाइएस्ट्रस होते हैं, मतलब उनका टू पीरियड्स रहेगा. ओके, ना उसके बाद है मोनोएस्ट्रस. ठीक है, सो मोनोएस्ट्रिक फीमेल्स जो है लाइक बियर्स, फॉक्स, वुल्फ, दे हैव ओनली वन ब्रीडिंग सीजन. ओके, टिपिकली वो किस सीजन में है वो कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है. तो आप जानेंगे कि उनमें वन सीजन पर ईयर होता है. अ फ्यू मैमल्स, ओके, अ फ्यू मैमल्स लाइक रैबिट्स एंड कैट्स डू नॉट हैव एस्ट्रस साइकिल. इंस्टेड बीइंग इंड्यूस्ड टू ओव्यूलेट, समझ रहे हो, बाय द एक्ट ऑफ मेटिंग. तो इसीलिए जो मेटिंग है उससे उनका क्या होता है, उससे उन लोग का ओव्यूलेशन होता है. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स. तो इसलिए जब मेटिंग होगा उसकी तब जाके आपका क्या होगा, देन ओनली यू विल हैव व्हाट, आपका एग ओव्यूलेशन. ओके, तो एंड सो तो समझ रहे हो. तो इसलिए ह्यूमंस को जनरली हम लोग एस्ट्रस में नहीं मानते हैं. अगर कहो तो आप उसको पॉलीएस्ट्रिक बोल सकते हो या होलोएस्ट्रिक. तो शी इज इन एस्ट्रस थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो आपका खत्म हो गया तो दिस चैप्टर. तो अब हम लोग ब्रेस्ट, ओवम, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो जनरल कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. ओके, सो जनरल इंट्रोडक्शन, सो दिस इज कॉल्ड क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है कि नहीं. तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं, दैट इन एनिमल्स क्या, इन एनिमल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं. सो इन एनिमल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन कौन सा बोलिए. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो उसमें ए में हम लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जिसमें इसमें हम लोग एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंक्लूड्स पार्थ
पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, तो इसमें हम लोग पार्थेनोजेनेसिस को इंक्लूड कर देंगे। एंड नंबर बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइन, सो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका आता है सिंगैमी कॉन्जुगेशन एंड सिंगैमी, और क्या, तो कॉन्जुगेशन एंड सिंगैमी, तो सिंगैमी जो है फिर वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, एनाइसोगैमी, पहले आइसो लिखना चाहिए, एक्चुअली वो प्रिमिटिव है, आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, ठीक है, सो ये आपका अलग अलग टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो कंजुगेशन आप बैक्टीरिया में देखते हैं, सिंगैमी या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आप हायर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे, तो उसका अलग अलग टाइप है, आइसोगैमी मतलब दोनों गैमेट सेम होंगे, एंड एक है एनाइसोगैमी, दोनों गैमेट्स अलग होंगे। तो हमारे केस में किस तरह का गैमी होता है? एनाइसोगैमी, बिकॉज क्या होता है कि हमारा मेल एंड फीमेल साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, सो लाइक दैट। चलिए, तो ये हमारा हो गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो इसीलिए अब हम लोग डिफरेंस क्या बोलेंगे, तो एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दैट इज कॉल्ड मोनोपैरेंटल रिप्रोडक्शन, ओके, सो उसको हम लोग मोनोपैरेंटल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, मतलब क्या है कि एक ही पैरेंट इसमें होगा, तो देयर विल बी ओनली वन पैरेंट, ओके, सो एक पैरेंट होगा, एंड वो जो पैरेंट है वो क्या है, वो आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, पहले एक्चुअली हम लोग क्या बोलते थे, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, एक्चुअली जो पार्थेनोजेनेसिस है इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, या अगर आप जूलॉजी बुक्स देखोगे वो लोग उसको कहाँ डालते हैं, सेक्सुअल, क्योंकि उसमें मेल फीमेल होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ मेल सेक्सुअली वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेसिस, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो वो, या जो बायोलॉजी बुक्स होता है माने अच्छे बुक्स, तो वो लोग इसको आजकल एसेक्सुअल में डाल दिए, इसलिए हम लोग उसको एसेक्सुअल में पढ़ेंगे। So in asexual reproduction, a single parent is involved, okay, in reproduction. So a single parent is involved in reproduction. इसमें मैं bracket में लिखूंगा, but both sexes may exist in nature. Okay, तो ये अभी नया add करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व का मतलब क्या है, दूसरा पेरेंट है नहीं, बट नेचर में दोनों पेरेंट हो सकते हैं, ओके, बट बोथ सेक्सेस में एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, डिफरेंट ओके, तो इसीलिए, तो एक्चुअली पहले गैमेटिक फ्यूजन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मानते थे, ठीक है, तो पहले गैमेटिक फ्यूज को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मानते थे, बट अभी आजकल वो भी इधर आ गया है, ओके, चलिए, सो इट मे इन्वॉल्व क्या, इट मे स्प्लिट बर्ड और फ्रैगमेंट टू गिव राइज टू टू, तो स्प्लिट का मतलब क्या है, बोलिए, फिशन, ओके, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, फिशन, तापर बर्ड का मतलब क्या है, बर्डिंग,
ओके तो इसलिए इसका अलग अलग तरीका हो सकता है टू गिव राइज टू मोर यंग्स दैट हैव हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आइडेंटिकल विद दोज ऑफ पेरेंट्स. ठीक है. तो इट अकर्स इन प्रोटोजोअन्स अमीबा. ओके इसमें अमीबा में रिपोर्टेड है. स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन, निडारिया लाइक हाइड्रा, फ्लैटवर्म्स लाइक प्लानेरिया, एनलिड्स लाइक साइलीस. ठीक है. एकानोडर्म्स लाइक स्टारफिश, टिनिकेट्स लाइक सेल्पा. तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट है. तो उसमें जो सबसे ए प्रोसेस है दैट इज बाइनरी फिशन. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी फिशन. इसमें दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे. ओके इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर. ओके तो टू डॉटर सेल्स इसलिए इसका नाम हो गया बाइनरी. तो टू डॉटर सेल्स ईच फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो अब दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. तो स्टॉप द